कोई लड़की किसी लड़के से, कोई औरत किसी मर्द से छुपी दोस्ती न रखे, शादी के बगैर कोई ताल्लुक न रखे, हाँ आप भाई बनाएं या आप कोई और इस किस्म का ताल्लुक, और बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं, न किसी मिस्ट्रेस का, इसलिए कि इससे एक औरत की हुर्मत भी पामाल होती और उसकी जिम्मेदारियां भी मुतासिर होती हैं और माशरे के अंदर बिगाड़ फैलता है। ये बात भी दुश्मनी, बुग्ज़ और अदावत और फहाशी के फैलने का जरिया है। अगर आप एक हफ्ते की अखबारें उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत से कत्ल व गारत महज इस वजह से होते हैं कि एक लड़की अपने आशना के साथ देखी गई। इसके लिए आशना का लफ्ज हमारे यहाँ उर्दू अखबारों में इस्तेमाल होता है, छुपे दोस्त के लिए, तो उसको कत्ल कर दिया गया या दोनों को मार दिया गया या लड़की को मार दिया गया। इस दोस्ती का माना सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक भी नहीं है बल्कि किसी भी किस्म का ताल्लुक, किसी भी किस्म का, किसी मर्द से मना है, खा वो गुफ्तगु या गपशप हो, तो बस दिल बहलाने के लिए आप गपशप कर रहे हैं, इससे आगे कोई ताल्लुक नहीं, या कोई अहदो पैमान हो, या किसी रेस्टोरेंट में मुलाकात हो, या किसी भी तन्हाई में कहीं पर भी किसी भी सेंस में, खा आप ये कहें कि नहीं हमारे दिल में तो कोई बुराई नहीं या हमारी निगाहों में कोई बुराई नहीं, तो नहीं, बुराई हो या ना हो, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वला तुज़क्कू अन्फुसकुम, अपने आप को पाक मत कहो, बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, अल्लाह ही पाक करता है जिसको चाहता है। इसलिए हाँ फोन पर गुफ्तगु हो या किसी भी एतबार से कोई मुलाकात हो, कोई खतो किताबत हो, कोई लेन देन हो जिसके अंदर कोई भी अपनाइयत हो, वो दुरुस्त नहीं, इस्लाम की निगाह में वो हराम है। उसका बस एक ही तरीका और वो है निकाह। इसीलिए निकाह से पहले महज मंगनी हो जाने के बाद भी तन्हाई में लड़की या लड़के का मिलना या फोन पर लंबी गुफ्तगू करना या गैर जरूरी बातें करना, यह भी मना है, क्योंकि मंगनी निकाह नहीं है। असल ताल्लुक निकाह के बाद ही शुरू होता है और उसके लिए इंसान को इंतजार करना चाहिए। वला मुत्तखिजात अखदान, और न बनाने वालियां छुपे दोस्त। इसमें इस्लाम का एक बहुत सुनहरा उसूल हम सब औरतों को पता चलता है। इस्लाम में एक औरत की इज्जत और इस्मत बड़ी कीमती चीज है। औरत कोई बिकाऊ माल नहीं या दूसरों के लिए सिर्फ सामान्य लज्जत नहीं, इसलिए औरत को अपनी हिफाजत और अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत की तलकीन की गई, तालीम दी गई, और उसके लिए किसी मर्द से छुपी दोस्ती रखना मना कर दिया।